कि अगर गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए सुपर शोडाउन में और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बड़ी स्टेज के लिए गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच प्लान किया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि पूछा है आदित्य भाई ने और इन्होंने अभी तो बहुत लंबा है इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता। और आप नोटिस करना कि जब 10 पे रिपीट टेलीकास्ट खत्म हो जाता है उसके बाद यूट्यूब वीडियोस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अवेलेबल होते हैं। जब चाहे अगर मिल जाए तो फिर तो भाई मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में चले जाऊंगा ना। बट जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुरी तरीके से धो देती है AEW को वो है। तो भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से असली अखाड़ा के एपिसोड नंबर 3 में। और बहुत समय बाद ऐसे लग रहा है कि एपिसोड आ रहा है। हमने आपसे कई बार बोला कि एपिसोड आएगा फिर नहीं आ पाया किसी पर्सनल रीजन किसी इशू की वजह से, लेकिन रोहित फाइनली ये Q&A एपिसोड होने वाला है। कैसा लग रहा है एक बार फाइनली फिर से हम कर पा रहे हैं शो को? तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो हमारा असली अखाड़ा का 3rd एपिसोड होने वाला है उसमें हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। आयुष और मैंने दोनों ने कम्युनिटी ऐप के ऊपर जो पोस्ट डाली थी वहां पर आप लोगों के भर भर के क्वेश्चंस थे, मतलब इतने क्वेश्चंस थे कि हम कंफ्यूज हो गए कि हम कौन से क्वेश्चंस लें। तो सबसे पहले तो हम सॉरी आपको पहले ही बोल देते हैं अगर आपके क्वेश्चंस हमने पिक नहीं किए, क्योंकि काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस होंगे जो कि हमने पिक नहीं किए। बट हम फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाएंगे जहां पर आपके क्वेश्चंस पिक होंगे। और गाइस आपको पता है कि जब से हमने लास्ट का असली अखाड़ा बनाया था एपिसोड 2 और एपिसोड 3 जब आ रहा है तो काफी आपके क्या थॉट्स है क्योंकि रॉयल रंबल पे गाइस हम नहीं बना पाए वीडियो, एक बार फिर से हम उसके लिए अपोलोजाइज करेंगे, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत अगर आपको लगेगी एज के बारे में तो वैसे आपने भी अपनी वीडियोस में बताया मैंने भी बताई है, हम लोग मतलब पहले से पता था कि एज आने वाला है, लेकिन जब भी जब वो आए और मेरे को नहीं लगता कि कोई रेसलिंग फैन है तो वो रॉयल रंबल मैच लाइव ना देख रहा हो क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब कौन सा सरप्राइज आ जाता। तो जैसे ही एज आए मैं वैसे ज्यादा रिएक्ट करते नहीं हूँ, बट फिर भी मैं कहूंगा कि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। आई थिंक सेम आपके साथ भी होगा। बिल्कुल यही बात है, एज मेरे बहुत फेवरेट हैं और जब वो वापस आए तो जबकि हमें पता था ये नहीं पता था किस नंबर पे आएंगे तो वो एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई थी। तो हमारे पास क्वेश्चंस जो गोल्डबर्ग से रिगार्डिंग है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है संजय की तरफ से और ये भी एज से रिलेटेड है और ये पूछते हैं क्या एज को फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी WWE टाइटल की, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा लग रहा है वो रैंडी ऑर्टन से लड़ने वाले हैं। देखो शायद आपने भी अपने चैनल में बताया होगा, मैंने भी बताया कि एज की जो डील है वो 3 साल की है और 3 साल में उनको मोटे पैसे मिल रहे हैं और हर साल मैंने देखा था कि एटलीस्ट वो 3-5 मैचेस तो रेसल करेंगे। तो ऐसे में करियर तो उनका थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि वो पार्ट टाइमर आए हैं, लेकिन WWE में एक तरह से फुल टाइमर है। पार्ट टाइमर फुल टाइमर मतलब अजीब सी ये बात है, आप लोग मुझे मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैचेस कम देखने को मिलेंगे पर अपीयरेंसेस उनके हमें देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से अगर WWE फिर से पुराने दौर में ले जाना चाहती है तो ऐसा आप ये नहीं कह सकते कि उनको टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। गोल्डबर्ग देखो बीच में आके यूनिवर्सल चैंपियन बन गए, कहां उनका तो लग ही नहीं रहा था कि वो कभी WWE में आएंगे भी। तो काफी पॉसिबल है कि एज जरूर हमें चैंपियनशिप पिक्चर में देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ टाइटल भी जीत सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये पूछा है सोम भाई ने और इनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये पूछ रहे हैं सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में टैग टीम के अंदर कुछ काम करेंगे या फिर वो एक सोलो परफॉर्मर के तौर पे काम करेंगे, आपको क्या लगता है? तो अभी तो ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस जो है वो टैग टीम चैंपियन है और वो बडी मर्फी के साथ फिलहाल बने हुए हैं, लेकिन उनको अब हम मंडे नाइट रॉ में देख रहे हैं मेन इवेंट में फिर से फीचर करा गया, WWE चैंपियनशिप के लिए एक नंबर वन कंटेंडर्स मैच में भी डाला गया। तो जब तक वो टैग टीम चैंपियन है मुझे तो लगता है कि वो टाइटल्स को ही डिफेंड करेंगे। अब अगर वो टाइटल्स हारते हैं तो प्रोबेबली उनके लिए कोई बड़ा बट ये भी सीन है ना कि रेसलमेनिया पास है वो भी चैंपियंस है तो टाइटल चेंज होने के चांसेस कम होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा चांस है कि इस बार वो सोलो परफॉर्म ना करें और वो टैग टीम के तौर पे भी कुछ कर सकते। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है राज की तरफ से और ये पूछते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हमें कब देखने को मिल सकता है? सबकी उम्मीदें थी कि स्मैकडाउन में यही चीज होगी, नहीं हुआ। रोहित क्या लगता है आपको? तो देखो रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था, मतलब मैं ये बता आपको पता है कि रोमन रेंस का कोई मैं बहुत बड़ा वाला फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं हर एक टैलेंट की जो रिस्पेक्ट करता हूँ, आई थिंक आपका भी ये सेम ओपिनियन है, हमारे फेवरेट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच मैं भी देखना चाहता था, आप भी देखना चाहते थे, क्योंकि फीड के साथ कंपेयर करके देखो तो कोई केमिस्ट्री है फिर कोई ऐसा मजा नहीं है। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, पता नहीं मैं शायद ज्यादा बड़ा बोल रहा हूँ, कि अगर गोल्डबर्ग यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए सुपर शोडाउन में और उसके बाद WWE ने बड़ी स्टेज के लिए गोल्डबर्ग और रोमन रेंस का मैच प्लान किया यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अब अगर होना है रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, लेकिन मेरी थिंकिंग यहाँ पे गाइस थोड़ी सी अलग है। मुझे लगता है कि गोल्डबर्ग और रोमन रेंस नहीं लड़ेंगे रेसलमेनिया में इस साल भी, फीड हरा देंगे गोल्डबर्ग को और बेसिकली जो करा जा रहा है वो ये है कि फीड हराएं गोल्डबर्ग को, उनको और ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जाएगा और उसके बाद उनका मैच रोमन रेंस के साथ जब होगा रेसलमेनिया में तो वहां पे फीड और भी ज्यादा है। बट आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि गोल्डबर्ग फीड के अगेंस्ट हारेंगे, क्योंकि गोल्डबर्ग है यार वो ऐसा, पर आप इतने कॉन्फिडेंस से भी नहीं कह सकते कि मतलब वही बात है कि दोनों सुपरस्टार्स लॉस अवॉर्ड नहीं कर सकते किसी तरह से देखिए, बट फिर भी क्योंकि फीड अभी
ज्यादा स्टोरी लाइंस में इन्वॉल्व होते हैं, गोल्डबर्ग कभी कभी आते हैं, तो फिएंड का एक बेटर चांस है। क्या पता गोल्डबर्ग एक ट्रिपल थ्रेट मैच में इन्वॉल्व हो, कुछ भी मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है। तो आप लोग अपने ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच कब हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा है मोहम्मद काशिप ने, और ये बोल रहे हैं कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल इंडिया में कोई अपना शो करवाने वाली, यानी 2020 में। अब इंडिया की जो डील है, आप लोगों को नहीं पता, रोहित हमको बताना चाहिए, और एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव पॉइंट होगा आप लोगों के लिए कि जो टीवी डील है इंडिया की 10 के साथ, वो खत्म होने वाली है जल्दी। कब हो रही है उसकी डेट हमको नहीं पता। अब अगर वो रिन्यू नहीं होती है तो हो सकता है कुछ समय तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में लाइव टीवी पर भी ना आए, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि होना मुश्किल है। इवेंट की हम बात करें तो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम जब मैं गया था तो इतना अच्छा रिस्पांस डब्ल्यूडब्ल्यूई को मिला नहीं था, और वो 2-3 साल हो गए हैं उस चीज को, और तब से हमें कोई इवेंट देखने को नहीं मिला। बट कहते तो ट्रिपल एच हमारे ये है कि हम डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट देखते हैं, तो एक सिर्फ कहने की बात है या क्या है? कहने की बात है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जैसा कि मैंने कहा लास्ट टाइम जब मैंने विजिट करा था वहां पर, तो लोग उतने आए नहीं थे। मेरे को लगता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की उम्मीदें थी उस इवेंट से, या पैसे ज्यादा कर दिए थे, हाँ, या फिर ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो उम्मीद थी लोग कितने पैसे खर्चेंगे या फिर कितना उनका प्रॉफिट होगा वो नहीं हो पाया, और शायद इंडियन मार्केट ने वैसा उनको रिस्पांस नहीं दिया। तो मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेटेजी भी वैसी, वो सोच रहे हैं कि यूएसए में जो हमारे स्ट्रेटेजी रहती है मार्केट वाली, वो इंडिया में भी चल जाएगी। हाँ। बट वैसा हो नहीं रहा। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, आप ये भी पूछते हो कि यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, हम लोग देख रहे हैं कि हमें रात में पता चलता है, तो गाइस इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, जो नेटवर्क है 10 वाले, उनका ही जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है कि हमारे ऊपर तो कोई देखने आता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है रिपीट टेलीकास्ट होता है, उससे कोई देखता नहीं है। और आप नोटिस करना कि जब 10 पे रिपीट टेलीकास्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद यूट्यूब वीडियोस डब्ल्यूडब्ल्यूई की अवेलेबल होती हैं, तो ये भी एक रीजन है। तो बेसिकली तभी डील भी जो है वो शायद रीसाइन 10 वाले नहीं करने वाले, और क्या बताने व्यूअरशिप की प्रॉब्लम, व्यूअरशिप की प्रॉब्लम है, और जो भी है मतलब दिक्कत है, मुश्किल है इस साल की कोई इवेंट होगा। लेकिन हम इसी के साथ बढ़ते हैं हमने अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस, जो कि रितेश ने पूछा है, और ये है कि क्या फीड को रेसलमेनिया में हारना चाहिए या फिर उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए, अपना टाइटल रिटेन करना चाहिए रेसलमेनिया के बाद भी। और ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या फीड हारेंगे या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, फीड को हराएगा कौन और कब हारेंगे, बहुत बड़ा। तो देखो मैं फीड का कोई बहुत बड़ा फेवरेट नहीं हूँ, मैं हो सकता कुछ लोगों के पास अजीब लग रही हूँ, लेकिन मैं उनका इतना कोई बड़ा वाला दीवाना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं, जो भी बंदा कुछ यूनिक कर रहा होता है वो बढ़िया काम करता ही है, और वो सबसे अलग होता ही है। तो अगर मेरे से पूछो तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अपना फॉर्मेट चलाती है, उनका जो हमेशा का सीन रहता है कि कोई सुपरस्टार को पुश कर रहे हैं तो फिर उसको बिल्कुल ऐसा दिखाओ, और फीड को तो इमोर्टल दिखा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर उस तरीके से देखा जाए तो फीड को शायद अभी नहीं हारना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार गए तो एकदम से फुस हो जाएंगे ऐसा लगेगा। कहने की बात है अगर वो सुपर शोडाउन में गोल्डबर्ग को भी हराते हैं और प्रॉब्ली रेसलमेनिया में रोमन रेंस को भी हरा देते हैं अगर, और वो मैच शायद मेन इवेंट में भी हो, क्या पता, तो फीड का कहां से कहां पहुंच जाएगा मोमेंटम, और जो भी बंदा फिर फीड को हराएगा वो कितना एकदम से पॉपुलर हो सकता है। तो अच्छा मौका है मेरे हिसाब से WWE के पास, मैं तो ये बोलूंगा कि रेसलमेनिया में भी नहीं आना चाहिए था फिल्म को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और गाइस ये काफी इंटरेस्टिंग है जो कि आदित्य ने पूछा है, और क्वेश्चन है कि जब मेन रोस्टर रॉ स्मैकडाउन है तो फिर शार्लेट फेयर क्यों एनएक्सटी विमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली को फेस करना चाहती है, क्योंकि हमें अभी तक ऑफिशियल तो नहीं हुआ लेकिन हिंट WWE ने जरूर कर दिया, तो ये क्या पकड़ा है भाई? अब जो एक लौता रीजन मुझे दिख रहा है ये चीज से, मैं भी खुश नहीं था जब पहली बार मुझे पता लगा कि शार्लेट अगर रॉयल रंबल जीती है तो उनको क्यों नहीं रॉ और स्मैकडाउन के लिए चैलेंज करना, सबसे बड़े टाइटल तो भाई वही है WWE के। लेकिन NXT में जाना शार्लेट का मतलब ये है कि WWE NXT को और ज्यादा ओवर दिखाना चाहती है, शार्लेट वहां पे जाएंगी शायद उसकी वजह से व्यूअरशिप बढ़ेगी, वुमेन्स रोस्टर और ज्यादा निखर के आएगा। तो बेसिकली बिल्कुल सिंपल सी बात है, WWE को NXT को बड़ा दिखाना है, AEW टक्कर में है, तो इसलिए जो शार्लेट है वो NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रिया रिप्ली, और हो भी सकता है कि वो रेसलमेनिया में जाकर बस हार जाए सीधा रिया रिप्ली से, उससे रिया रिप्ली को बढ़िया दिखाया जाएगा और शार्लेट को कोई इतना नुकसान नहीं है, वो वापस आ जाएगी मेन रोस्टर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इनफैक्ट रोहित के जो कमेंट बॉक्स था या कम्युनिटी टैब का टॉप क्वेश्चन था, ये आता था पावर हाउस की तरफ से, ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि जो रॉयल रंबल का मैच है वो इतना लंबा चलता है, उसमें इतने सारे सुपरस्टार्स आते हैं, तो एक एक एलिमेंट एक एक मोमेंट किस तरीके से WWE स्क्रिप्ट करती है। रोहित मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अच्छे से बताएं, क्योंकि ये शायद एक ऐसी चीज है जो हमारी ऑडियंस को अभी तक नहीं पता है। तो देखो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो, शायद आपको उठाना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो WWE के प्रोफेशनल सुपरस्टार हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन उठाना बनता भी है क्योंकि आखिर इसके पीछे कहानी क्या है। तो देखो जो नॉर्मल मैचेस होते हैं सिंगल्स मैचेस है, फिर जहां पर भी रेफरी इन्वॉल्व होता है वहां पर तो वो बात कर रहा होता है ना कि जैसे कोई सुपरस्टार गिर गया, हमें लगता है कि वो पूछ रहा है उससे कि वो इंजर्ड तो नहीं हुआ है, लेकिन वो बता रहा होता है कि आपको नेक्स्ट मूव क्या करना है, और वो एक तरीके से जो कम्युनिकेशन होता है दोनों सुपरस्टार्स के बीच वो कर रहा होता है। और अगर आपको कहीं पर देखना भी होगा तो गोल्डबर्ग और अंडरटेकर का मैच था, वहां पर हमें पता लग गया था कि जब एंड में चीजें बॉच हो गई थी तो अंडरटेकर ने मैसेज डिलीवर करा था कि हम इस तरीके से मैच से खत्म कर देते हैं, तो सुपरस्टार आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट यह है रॉयल रंबल।
तो रॉयल रंबल में चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है गाइस। बड़े बड़े जो मैचेस होते हैं ना उनको पहले से रिहर्स किया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो विमेन्स रॉयल रंबल पहला मैच था अभी से कुछ साल पहले, किसने जीता था? वो शायद आस्का ने जीता था। तो उस मैच को पूरा रिहर्स किया गया था। जो रिपोर्ट थी 30 की 30 जो सुपरस्टार थी वो आए और उन्होंने मैच को पूरा रिहर्स किया था। मतलब बेसिकली ये बात है कि जो मेजर मोमेंट्स होती है, जैसे इस हम रॉयल रंबल का एग्जांपल ले ले, जैसे एज का रिटर्न था, तो शायद वो रिहर्सल का पार्ट नहीं था, सिर्फ कुछ सुपरस्टार्स को पता था कि उस मोमेंट में क्या करना है, कौन एज को बाहर निकालेगा और एज किस किस को बाहर निकालेंगे। तो हर एक मोमेंट रिहर्स करी जाती है और एक दिन नहीं दो तीन बार पूरा मैच रिहर्स करा जाता है, तो इस वजह से वो उसको इतने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, हम उम्मीद करेंगे कि लोगों की जो बात है इस टॉपिक पे वो पूरी क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और गाइस ये पूछा है नमन ने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने ज्यादा बात नहीं की है, ना ही आयुष ने करी होगी शायद, तो ये बहुत ही मजेदार होगा आंसर करने के लिए। और क्वेश्चन है कि बैटिंग ऑड्स इतने सक्सेसफुल कैसे होते हैं और बैटिंग ऑड्स का क्या पूरा सीन है? तो भाई तो बेसिकली बैटिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोई बंदा पैसा लगा रहा है, जैसे कि हिंदी में कहते हैं सट्टा लगा रहा है। और WWE रेसलिंग भी एक स्पोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स में पूरा, इंडिया में जबकि इस पर बैटिंग नहीं होती है, US में होती है। हम बैट कर सकते हैं कौन सा मैच कोई सुपरस्टार जीतेगा पे पर व्यू में, अगर वो होता है तो आप उसके पैसे जीत सकते हैं। तो बेसिकली काम ये कैसे करता है कि बैटिंग आप लगा सकते हैं और जितने भी ऑड्स होते हैं, ऑड्स यानी कि कितना चांस है किसी चीज़ का होने का, अगर वो चीज़ हो जाए तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। जैसे कि बैटिंग ऑड्स पहले कह रहे थे कि रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतेंगे, लेकिन कुछ घंटों पहले ही जो है ऑड्स शिफ्ट हो गए और जो नाम है ड्रू मैकइंटायर का नंबर वन पे चला गया। सेम यही था शार्लेट फ्लेयर और रिया शार्लेट फ्लेयर वाले मैच में भी, और शेना बेसलर वाले। बिल्कुल, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि WWE वाले जो है वो खुद भी इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, बैटिंग ऑड्स पे पैसा वो भी लगाते हैं, और क्योंकि वो तो खुद ही इस शो को बुक कर रहे हैं तो उनको पता रहता है कि क्या होने वाला है। मतलब सीन ऐसा भी है कि WWE के खुद अंदर के बंदे भी वेबसाइट्स के ऊपर बैट करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही है कि हमें ही तो रिजल्ट बुक करना है, तो उसका भी वो कभी कभी फायदा उठा लेते हैं कि एंड में वो सारी चीजों को चेंज करते हैं और मोटी मोटी जो है अपनी रकम उठा लें, इसलिए बैटिंग ऑड्स इतने सक्सेसफुल होते हैं। और आप लोग कह सकते हो कि हमें पता तो नहीं है खुले तौर पर, लेकिन अंदर ही बहुत ही मेजर रोल भी प्ले और मेजर रोल है, और काफी एक ऐसी चीज जो पैसा भी बनाती है WWE के लिए काफी सारा, जो कि हम लोगों को पता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है गाइस वो भी पैसों के बारे में, और वो ओमी पूछते हैं कि WWE सुपरस्टार्स की जो सैलरी है उनको मंथली मिलती है, एनुअली, या फिर जब सुपरस्टार चाहे तभी उनको मिल जाती है? तो ये क्वेश्चन काफी अनोखा है, आप इसका आंसर दीजिए। तो देखो ज्यादातर जो WWE के टैलेंट्स हैं, फिर चाहे वो रोमन रेंस हो, सेथ रॉलिंस हो, या फिर बैकी लिंच हो, या फिर कोई भी नाम हो, मतलब जो भी WWE से रेगुलर काम करते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट पर ही साइन होते हैं, जैसे कि 3 साल 5 साल या फिर कोई कोई 1 साल, तो उनको पूरे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए जाते हैं कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा और उतने साल के लिए आपको उतने पैसे देने होंगे, मतलब उतने पैसे हम आपको पे करेंगे। लेकिन कुछ कुछ सुपरस्टार्स अलग होते हैं जो कि अपनी वन टाइम या फिर कुछ लिमिटेड अपीयरेंस करते हैं, उनको हर एक अपीयरेंस के पैसे मिलते हैं। और सऊदी अरेबिया का केस अलग है, सऊदी अरेबिया की चीज बिल्कुल अलग ही रहती है, क्योंकि वहां पर WWE स्पेशली लेजेंड्स को बुलाती है, जैसे कि अंडरटेकर, गोल्डबर्ग, उनको सिर्फ एक मैच के एक अपीयरेंस के पैसे दिए जाते हैं, और जो मेन सुपरस्टार्स भी उनको काफी बोनस दिया जाता है, तो जो एक्चुअल सैलरी है उससे हटके हो जाता है वो पैसे बिल्कुल, जो ट्रैवल करता है, जैसे मिस डैनियल ब्राइन नहीं गए सऊदी अरेबिया तो उस चीज का बोनस उनको नहीं मिला, और गोल्डबर्ग वगैरह सिर्फ एक एक मैच के इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले रहे हैं, जबकि रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स हैं उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 मिलियन का, तो उनको एनुअली पे करा जाता है। तो यही सीन है, मतलब और ये तो बिल्कुल ही है कि जब चाहे उनको पैसा, जब चाहे अगर मिल जाए तो फिर तो भाई मैं भी WWE में चले जाऊंगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवांश का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। WWE और AEW का इन्होंने एक तरीके से कंपैरिजन बोला है कि क्या AEW का फ्यूचर है, कैसे उनका राइज हुआ, मतलब एक एक चीज WWE की और AEW की उनमें क्या डिफरेंस है और क्या इस समय कैसा काम कर रहा है, मतलब स्टोरी लाइंस, मैचेस, ये सब चीजें। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा इस आंसर से, और प्रॉब्ली रोहित भी काफी सारे पॉइंट्स पे अग्री करेंगे कि इस समय WWE का अगर मेन रोस्टर या फिर पूरी WWE को ऐसा होल AEW से कंपेयर करें तो शायद AEW पास नहीं आती है ज्यादा। स्टोरी लाइन्स और मैचेस के मामले में डेफिनेटली कहूंगा कहीं कहीं तो AEW WWE से भी आगे निकल चुकी है। टैग टीम्स सबसे पहली बात है, मेरे ख्याल से मेजर डिफरेंस टैग टीम्स है। मेरे को ऐसा लगता है कि AEW वाले सारे के सारे टैग टीम मैचेस भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर WWE की बात करो तो उनके टैग टीम मैचेस, मतलब टैग टीम मैचेस तो बेकार होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि टैग टीम पे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाला ही नहीं जा रहा, इस टैग टीम डिवीजन को कुछ अच्छा बनाने के लिए एक्स्ट्रा कर नहीं रही WWE। मतलब जैसे अलग, जैसे जो सिंगल्स मतलब हम सुपरस्टार्स देखते हैं उनकी रैवलरी में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग स्पॉट्स होते हैं, लेकिन टैग टीम का तो सेम ही फंडा है, आए लड़ो, थोड़ी स्टोरीलाइन दिखाओ, मतलब कुछ यूनिक स्पेशल एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन AEW में ये चीज बिल्कुल अलग है। बट जहां पर WWE बुरी तरीके से धो देती है AEW को, वो है स्टार पावर।
स्टार पावर भी, स्टेज भी, सेटअप भी, जिस तरीके से WWE का प्रोडक्शन टीम है, आपने डायनामाइट का कुछ एपिसोड्स देखे होंगे, ऐसा लगता है कभी साउंड ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ये भी लगता है कभी कभी, तो ये ऐसी चीजें हैं WWE इतने सालों से नेल कर रही है, इसको बहुत अच्छे से कर रही है, तो उसमें AEW का आगे निकलना भी बहुत मुश्किल है। और स्टोरी लाइन्स की भी बात करें तो जैसा कि आपने कहा जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको कुछ गिनती के सुपरस्टार्स हैं, तो पूरी कंपनी को चला रहे हैं MJF, कोडी रोड्स, लेकिन WWE का इतनी ज्यादा स्टार पावर है कि अगर वो अच्छे से यूज, पूरे हर एक बंदे का अच्छे से यूज करें तो कहां के कहां वो स्टोरी लाइंस पहुंचा सकते हैं। और AEW मेरे ख्याल से मैचेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है, जो कि उनका पॉजिटिव पॉइंट तो है, लेकिन मेरे ख्याल से उनको स्टोरी लाइन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे को वो वहां पर थोड़ी सी वो लैग करती हुई दिखती है, पता नहीं क्यों। बेसिकली ये बात हो गई कि AEW की जो ऑडियंस है वो हार्ड कोर रेसलिंग फैंस टाइप हम कह सकते हैं, जिनको रेसलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे ख्याल से मैं या हम दोनों वैसे फैन हैं जैसे कि अमेरिका में होते हैं, क्योंकि हम यहीं से रेसलिंग देख रहे हैं, तो हमारा वैसा हो पाना उनके नजरिए से देख पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर उनको अच्छे मैचेस भी दिखा दो तो भी वो खुश रहेंगे। WWE की ऑडियंस हमने देखा है कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, हमारी एज के लोग भी हैं, तो उनको अपना कंटेंट भी उस हिसाब से रखना पड़ता है कि सब बंदों को पसंद आए। जैसे लाना पॉपुलरली वो कुछ अलग थर्मी लोगों के लिए भी है। तो बेसिकली गाइस जो ओपिनियन फॉर्म होता है फाइनल वो यही है कि अभी अगर एज अ होल कंपेयर करें तो मुझे लगता है रोहित आप अग्री करोगे कि WWE थोड़ा सा अलग लेवल पर चल रही है, लेकिन AEW ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार है। क्योंकि अभी AEW शुरुआत कर रहे हैं यार, अभी आप कहां बराबरी पर रख दोगे? प्रॉब्ली अगर हम NXT से सिर्फ कंपेयर करें तो शायद AEW बहुत जगह जीत भी रही है। तो ये गाइस हमारा बेसिक ओपिनियन है, और ये क्वेश्चन सिर्फ हमारे लिए नहीं थे, जितने भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर लिए आप लोग अपने आंसर्स सारे हमको भी दे सकते हैं कमेंट्स में। और जैसा कि हमने कहा और भी Q&A एपिसोड्स हम करते रहेंगे, आने वाले एपिसोड्स के लिए आप अपने आइडियाज छोड़ सकते हैं कमेंट्स के अंदर, वो भी हम जरूर कंसिडर करेंगे रोहित। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, बाकी कमेंट्स में आपको बहुत कुछ बातें भर भर के बतानी है। और रेसल इंडिया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको रेसल चैट यानी मेरे चैनल का लिंक भी मिलेगा, तो उसे जाकर भी आप लोग चेकआउट करना अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और हम आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा सीजन 2 के 4th एपिसोड में बहुत ही जल्द रेसल चैटर।